ये इलेक्शन बहुत अहम है। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डरे, मगर वो लोग नहीं जानते कि ये कौम डरने वाली नहीं है। जो कौम फिरौन को नहीं डरी, वो मोदी को क्या डर। मुझे हजरात, मेरे अजीज भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करीब में जो कल इलेक्शन होने जा रहा है, यही मुद्दों को लेकर के एक अहम इलेक्शन है। इस देश के संविधान को बचाना है और मुसलमानों के वजूद को भी बचाना है। पिछले 10 साल से जब से ये सरकार आई है, इस देश का माहौल खतरनाक हो गया है और फिजा जहरीली हो गई है। पहली बार आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। हम मुसलमानों के बुनियादी ढांचों पर हमले हो रहे हैं। इस देश में इस्लाम को और इस्लाम को मानने वालों पर जुल्म हो रहा है। हमारे मस्जिद पर हमला होता है, हमारे हिजाब पर हमला होता है, हमारी टोपी पे हमला होता है, हमारे खानपान पे हमला होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शहरियत पे हमला हुआ है। पिछले कई सालों से राम मंदिर के नाम पे कई मुसलमानों को शहीद किया गया, अब उसके बाद गाय के नाम पे शहीद किया गया। इस पार्टी में बड़ी साजिश के तहत और एक सोची समझी साजिश है, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का इनका मकसद है। इसके लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डरे, मगर वो लोग नहीं जानते कि ये कौम डरने वाली नहीं है। जो कौम फिरौन को नहीं डरी, वो मोदी को क्या डर। और ये देश जो है तमाम हिंदुस्तानियों का है। ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, उतना ही मुसलमानों का है जितना हिंदुओं का है। इस देश की आज़ादी पे हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, हमने अपना पसीना बहा करके इस देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। अगर हिंदुओं के लिए ये राम का हिंदुस्तान है, तो मुसलमानों के लिए हजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। इसके लिए ये इलेक्शन में आप लोगों को, ये इलेक्शन जो है और ये वोटिंग जो है, ये आपकी ये गवाही है। ये गवाही इस बात की है कि जो जुल्म हम पर हुआ है, उसका बदला लेने की गवाही है। यह गवाही इस बात की है कि जो मुसलमानों को शहीद किया गया, उसका बदले का गवाही है। यह गवाही शरीयत को बचाने की गवाही है। इसका हिसाब दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, अपने तमाम कामों को बालाए ताक रख करके इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश की अखंडता और यूनिटी को, गंगा जमुनी तहजीब को और शरीयत को बचाने का इलेक्शन है। आप लोगों को 100% वोटिंग करना है। अस्सलाम वालेकुम।